जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आइए ज्यादा टाइम नहीं करते, शुरू करते हैं गणेश वंदना से, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। मेजर कल की
Oh, Father, how do you?
जल दो जल जल दो ये ब्लॉक मिलकर बोलेंगे मिलकर ओ पालन ओ पालन हारे तुमरे बिना हमरा आपको पता है जो मर्जी मालूम बाबा श्याम आपके बीच आ चुके हैं क्योंकि आप लगन से गा रहे हो लगन से हमें भी पता लग रहा है मिलकर बोल दो आज बाबा आ चुके हैं ओ पालन निर्गुण ओ पालन निर्गुण हमें भी खुशी हो रही है पता लग रहा है कि हम अमृतसर से आए हैं आप में भी देहरादून वालों में भी दम है सच में दम है अच्छा बाबा के दरबार से किसको बिन मांगे मिला है जिसको नहीं मिला आज मिल जाएगा पर उसके लिए मांगना पड़ेगा उसके लिए बोलना पड़ेगा उसके लिए अब कौन कौन बोलेगा ये भजन ऐसा भजन है जो बोल देगा ना सच में कुछ ना कुछ पाकर जाएगा आज एक बार ये बताओ किस किस को मिला है जिसको नहीं मिला वो हाथ नीचे करे आज मिल जाएगा अरे वो भी हाथ खड़ा करे जिसको नहीं मिला बातें नहीं हाथ खड़ा करके बता दो आपको मिला या नहीं बातें तो हम घर जाके भी कर लेंगे बड़ा टाइम बड़ा सारी उम्र बड़ी है पर ये पल बार बार नहीं आता एक बात बोलूं आप सबको मिल चुका आप यहाँ पे बैठे हो ना ये इसी की कृपा है नहीं तो अपनी मर्जी से कोई भी नहीं बैठ सकता यहाँ पे सच बात बता रहा हूँ ये भी इसकी कृपा ही है जो आपको मिल चुका है नहीं तो हम अमृतसर से इतनी दूर से आए पहली बार आए इसी दरबार में ये किसी चमत्कार से बड़ा नहीं आपको मिला है इससे ज्यादा मिलेगा आज जो इस दरबार में आ गया कुछ ना कुछ लेके जाएगा खाली हाथ कोई नहीं जाएगा और किस्मत वाले हो आप कि बाबा ने अपने साथ जोड़ा नहीं तो लोग तरसते हैं इस दरबार से जुड़ने के लिए वो नहीं जुड़ता किसी के साथ वो अपने भगत देखता है वो जो विश्वास से जुड़ता है उसी के साथ बाबा जुड़ता है क्योंकि हमारा बाबा कोई सर्फ डिटर्जेंट नहीं है पहले इस्तेमाल करो विश्वास करो फिर पहले विश्वास करना पड़ेगा इसके दरबार में फिर ये देता सबको पहले विश्वास से बैठना पड़ेगा कि बाबा तू देगा तू ही देगा हमें फिर ये देगा अगर ये सोचो कि पहले ये देगा फिर इसके दरबार में जाएंगे खाटू श्याम कौन कौन गया आपके लिए से अरे वाह सभी गए हैं आज सभी आ चुके हैं आज तो खाटू श्याम से बाबा खुद आए हैं मिलने के लिए यही बहुत बड़ी बात है मिलकर बोलना जब बिन बोले नेता हम बोले थे हाँ जब दिन बोले नेता हम बोले के क्या ओ मेरी दुनिया तुम ही हो
हम बोल के हो मेरी दुनिया हो मेरी दुनिया अरे दुनिया से क्या मांगे जब दिन बोले हम गा ना सकूं ऐसी वाणी का क्या फायदा
अरे दिन भर की बातें तो हम करते रहते हैं, कभी इधर की गली कभी उधर की गली, कभी कुछ कर लिए कभी कुछ कर लिए। आज सिर्फ इसकी बातें करो, आज सिर्फ इसकी बातें होगी, और जो दिल में है ना वो बोल दो, शर्माओ मत कि ये क्या सोचेगा क्या ना सोचेगा, लगन से लग जाओ उसके साथ, पूरे दिल से बोल दो आज। बोलो तेरे वचनों को दम नहीं आ रहा, ऐसी Thank you.
और एक बार मंडल वालों के लिए बजा दो जिनकी वजह से आज ये कीर्तन हो रहा है। आगे बोलो खाटू नरेश की, लखदा तार की, हाथ पकड़ने वाले की। देखो इतना अच्छे बारिश होने के बावजूद भी जगह नहीं बची बैठने की, इतने प्रेमी आ रहे जगह नहीं बची। अगली बारी कोशिश करना बाहर करवाना, चाहे बारिश हो वाटरप्रूफ करवा देना सारा, वाटरप्रूफ तंबू लगवा देना, पर अच्छे से करवाना। इतने सारे भगत आ रहे, देखो अभी भी रश है, बैठने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। अच्छा लग रहा है ना आप सभी को? बोलो हारे के सहारे की, खाटू नरेश की। बातें मत करो, बातें घर जाके करेंगे। आगे आगे आ जाइए, और प्रेमी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बैठ जाए, बैठ जाइए, दरवाजे पे खड़ा कोई नहीं होगा, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, हम जल्दी से शुरू कर देंगे, जल्दी बैठ जाओ। बोलो खाटू नरेश की, लखदा तार की। छोटी सी है जी, हमारी माता श्री भी आए अपने सर से, वो आए अभी, तो ये पहली बार कीर्तन अटेंड कर रहे हैं हमारा, और साथ में हमारे जीजा जी और दीदी जी भी आए। ये न्यू टिहरी में रहते हैं, न्यू टिहरी का किसके उसको पता है, न्यू टिहरी गढ़वाल का किसको पता है, ये वहां से हमारे दीजी जू जी, तो हम अमृतसर से इनके घर आए और इनके घर से यहाँ से आए, अपने मम्मा को साथ लेके आए, क्योंकि ये पहली बार अटेंड कर रहे हैं हमारे कीर्तन। ये कह रहे थे हमने भी देखना कीर्तन कैसा होता है, कैसे करते हो, हमें भी पता लगे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, देखते हैं। करते तो हम सालों से आए पर पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मिलकर बोलेंगे। मिलकर बोले पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के मेरी नाव चल रही है, करता नहीं
पूरी आवाज आनी चाहिए, किस किस का प्रभु की कृपा से काम हो रहा है, किस किस की वजह से। मैंने क्या कहा, इसकी कृपा है तो आप बैठे हो, मर्जी किसी की नहीं कि आप यहाँ बैठ जाओ, किसी के बाद में यहाँ बैठने। शुक्रिया अदा कौन कौन करना चाहता है कि हमारे सांस, हमारी आवाज, हम जो भी करें इसी की वजह से करें, वो शुक्रिया अदा करना बनता है कि नहीं, ये लाइन बोलनी बनती है कि नहीं। तो जोर से आवाज आनी चाहिए, तालियां भी साथ में होनी चाहिए। पतवार के खाना खाया सबने, नींद किस किस को आ रही है, हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी, जिसको नींद आ रही है, आ रही है नहीं ना आ रही, हाथ करो जिसको नहीं आ रही है। हाँ तो फिर ताली की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, ये लाइनें जो हम गा रहे हैं ना ये ताली के साथ होनी चाहिए भैया, मैं ताली नहीं बजा रहा यार, आराम से म्यूजिक के बिना। हमें तो शाम बा हमें तो जो भी दिया, जोर से बाबा।
लखन ताज की, बालाजी महाराज की, भगत और भगवान की, लाज बचाने वाले आनंद किस किस को आ रहा है? सच में आ रहा है तो हाथ भी इतने इतने खड़े बुरे बुरे कर रहे हैं। फिर से ताली बजा दो, पता लग जाए तालियों की बात करना आई, इस बार काम आई है भैया। बोलो खाटू नरेश की, लखदा तार की, हाथ पकड़ने वाले की, ताली बजाने वाले की। अच्छा देखो बच्चों में कितनी जान है, आप कहा सोए हो? तभी तो बाबा शाम में ना बच्चे ज्यादा मशहूर है, बच्चों की वीडियो ज्यादा वायरल होती है, क्योंकि ये बोलते ज्यादा है। आप बहुत कम बोलते, बोला करो, ज्यादा बोला करो। आजकल के बच्चे बहुत प्रेमी बन रहे हैं बाबा के, ये बड़ी अच्छी बात है, अपने बच्चों को सिखाया करो। एक लाइन सुनाता हूँ उसके बाद भजन की शुरुआत करता हूँ। हमने कुछ लाइनें लिखी है, अगर अच्छी लगे तो ताली बजाना, अगर ना लगे तो रहने देना, वो भजन ही नहीं निकालना है, समझे कि ये बदल गया भैया बात है। ताली बोलो भैया, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, बांके बिहारी लाल की बोलो, राधे कृष्णा की। कुछ लाइनें छोटे से लाइनें भजनों की, अगर पसंद आए तो बताना, नहीं आए तो हम वो भजन ही नहीं निकालेंगे, वो स्पेशल सभी के लिए। हर गली गली, हर शहर शहर, हर नहर नहर, हर डहर डहर, मेरे शाम की चल जाए लहर लहर, हो जाना चाहिए। हर गली गली, हर शहर शहर, हर नहर नहर, हर डहर डहर, मेरे शाम की चल जाए लहर लहर, हो जाना चाहिए। ओ क्या हर शाम प्रेमियों का एक होना नारा चाहिए, हर घर में बाबा शाम का कीर्तन होना चाहिए, हर शाम प्रेमियों का एक होना नारा चाहिए, हर घर में बाबा शाम का कीर्तन। कीर्तन बड़ा हो या छोटा हो, कई इंसान सोचता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना बड़ा कीर्तन नहीं करवा सकता, ये बाबा तुमने इस काफिल बना के मैं इतना बड़ा कीर्तन करा सकूं, ना ये सोच मत रखा करो। जो घर में बाबा शाम की छोटी सी तस्वीर भी लगाई होगी ना, उसके सामने बैठ के दो कीर्तन के भजन भी सुना दोगे ना, तो वो भी बड़े कीर्तन के बराबर है, पर सच्ची नीयत से होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बंदे की सोच होती है कि मैं बड़ा कीर्तन करवाऊंगा, मैं ये करा लूंगा, नहीं, कई बार बड़े कीर्तनों में भी वो बात नहीं होती जो छोटे से दो भजनों में बड़ी बात होती, जो घर बैठ के हम कर लेते हैं। ये ना जरूरी कीर्तन छोटा बड़ा हो, सही बात है, मानते इस बात को। अब कुछ भी हो जाए ये मत सोचना बाबा इस काफिल भी करेगा कि वो बड़ा भी करवाएगा, बड़ा घर भी देगा, बंगला भी देगा, पर उसकी भी शुरुआत तो इतने से तो करनी पड़ेगी ना।
ये नहीं है कि हम डायरेक्ट पहाड़ चढ़ जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि हमें डायरेक्ट मंजिल मिल जाए, चढ़ना तो धीरे धीरे पड़ता है ना। तो घर से शुरुआत कर देना, छोटे से दो भजन सुना देना, इतना देरेगा संभाला भी नहीं जाएगा। और अपने बच्चों को भजनों की लाइनें जरूर सुनाया करो, जरूर भजन याद करवाया करो, क्योंकि यही आगे जाकर और प्रेमियों को बताएंगे कि बाबा शाम कौन है। वैसे तो उसको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, पर जैसे हम प्रचार कर रहे हैं आगे छोटे छोटे बच्चे भी करेंगे, हमारे प्रेमी और बढ़ेंगे, हमारा शाम जगत और बढ़ेगा। बोलो खाटू ने Ah
आपकी आवाज है, कौन कौन प्रार्थना करेगा आपके आवाज से? जो तुम्हें गावेगा, जो तुम्हें अपनी वाणी से गावेगा उसका तो बेड़ा पार है, और जो नहीं कहेगा वो बैठा रहे कोई बात नहीं, उसका भी बेड़ा पार है, क्योंकि ये तो बात है। ये प्रार्थना चाहे कुछ हो ना हो पर वो एक बात जरूर बोलते हैं, हम तो मौज में हैं, बोलते हैं ना, हम तो मौज में हैं, वो बात बोलते ही बोलते हैं, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, वो एक बात बोलते हैं, भाई हम तो मौज में हैं। तो कह रहा कि मैं तेरे पास यही रीजन पूछने आऊ, तेरे पास ऐसी खुशी आती क्या? तो सबसे पहले उसने एक ये बात बोली, ये बात बता तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं? कह रहा मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं। पता अच्छा, कह रहा तू कहाँ रहता? कह रहा मैंने ये शहर में घर बनाया अपना, मैं वहां पे रहता हूँ। तू कहता तूने अपने माँ बाप को गांव में क्यों रखा, अपने पास क्यों नहीं रखा? उसने ये बात बोली, समझ लो मैं, हमने ही बोली। तो हमने पूछा तुमने अपने माँ बाप को गांव में क्यों छोड़ा हुआ? कह रहा मेरे वाइफ से नहीं बनती, सास ससुर की बहू से नहीं बनती। हमने कहा अच्छा, तो माँ बाप को सास बहू की वजह से हमने घर से निकाल दिया? कह रहा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, कभी सास की बहू से लड़ाई, कभी कुछ छोटे मोटे हो रहे थे, तो मेरी वाइफ ने कहा इसको छोड़ाओ, मुझसे नहीं जला जाता, मुझसे सेवा नहीं होती। तो बेटे ने क्या किया, अपनी वाइफ के पीछे लग के अपनी माँ बाप को छोड़ आया। तो जब हमने कहा कि चल एक बार अपने माँ बाप का घर दिखा के ला, हम चले गए उसके साथ। जब जाकर देखा तो गाँव में उसके माँ बाप दुखी हारे बेचारे कोने में बैठा है, रोटी भी खुद पका रहे, जिनके पास चला नहीं जा रहा वो रोटी भी खुद पका रहे, और पखा भी नहीं चला, हवा भी नहीं आ रही, गर्मी में झुलस रहे थे। तो उनकी ऐसी हालत देखकर हम भी काम गए, और अपने घर में उन्होंने शहर में एसी लगवाया हुआ। तो हमने कहा आप तो खुद सुखी में है, खुशी में है, और उनको तूने दुख दिया, दुनिया का सुख वाल रहा है, कैसे मिलेगा तुझे सुख? जा एक काम कर, उनको गाँव से अपने घर ले आ, चाहे बने ना बने, बहू को अगर तू थोड़ा सा एडजस्ट बन कर, थोड़ा सा मम्मी पापा करेंगे, थोड़ा सा तेरी वाइफ करेगी, पर माँ बाप को घर में लेके आ। वो माँ बाप को घर में लेके आया, पता क्या होता है,
एक माँ चार बेटों को पाल लेती है पर चार बेटों से एक माँ नहीं पलती, सही बात है, ये बात सच है। एक माँ चाहे चार बच्चे हो चाहे पांच हो अकेली पाल लेती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी से एक जैसा प्यार करती है, पर चार पांच बेटों से एक माँ बाप ना पले तो ऐसी बच्चों पे तो लानत है। और हर ग्यारस में खाटू जाने से कोई फायदा नहीं है, हर मंदिर में जाने में कोई फायदा नहीं है, सिर गड़ने से कोई फायदा नहीं, अगर अपने माँ बाप की पूजा नहीं की आपने, हाँ माँ बाप, अगर अपने माँ बाप की पूजा नहीं ना करोगे, उनका आशीर्वाद नहीं लोगे तो ये आपके साथ नहीं आएगा, ये कहाँ से आपके सुन लेगा। अगर अपने माँ बाप को ठोकर मार के इसको मनाने जा रहे हो, कभी भी नहीं, ये दुनिया का बाप है, इसके माँ बाप ऐसे नहीं अपने माँ बाप को धोखा दे रहे इसको मना रहे, बाबा मेरी सुननी रहा, पहले अपने माँ बाप को घर पे लेके आओ, देखो कैसी बातें बनती है। एक बार अपने माँ बाप के लिए ताली बजाओ, बोलो खाटू नरेश जी। और उसके बाद वो अपने घर पे लेके आए, उसके जो अड़े काम थे, जो जमीने अड़ी थी, जो काम रुके पड़े थे, जो कला कलेश थे, उसके माँ बाप के घर में आने के बाद वो इतना खुशहाल हो गया कि वो अब हर ग्यारस खाटू जाता है, पूरी फैमिली को ले जाता है, पूरी गाड़ी भर के लेके जाता है, बोलो खाटू नरेश की। इसलिए Oh,
के सहारे की, खाटू नरेश की, लखदा तार की, आनंदार पकार किस किस को आ रहा, हाथ नहीं खड़े हुए, ताली बजा दो, आवाज नहीं आई, एक बार और बजा दो, बोलो खाटू नरेश की, लखदा तार की, हाथ पकड़ने वाले की, बालाजी महाराज की। देखो इतना प्रेमी आ चुके हैं, बैठने की जगह भी नहीं बची इतनी बारिश में, सच में हमें आनंद आ गया। आगे आगे आ जाओ, पीछे वाले खड़े, थोड़ा थोड़ा, इतनी इतनी जगह देने से आपको क्या मिलेगी, जमीन मिलेगी इतनी इतनी, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ, थोड़ी सी जगह दे दो भगवान आपको, इतनी थोड़ा 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 थोड़ा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो रस पड़ गया, रस थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा, बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी, बातें नहीं, अरे बातें नहीं करनी, बस पीछे वाले जो खड़े हैं वो आगे आ जाओ, टीचर बैठा है, टीचर की क्लास में बातें करो इनको, बड़ी जगह, बहुत जगह, बहुत जगह, बहुत जगह, हाँ जो आ रहे हैं ना, हाँ जो लेडीज आ रहे हैं ना उनको बैठने दो, वो बाहर खड़े हैं, हम ना अमृतसर में जाकर पता क्या कहेंगे, अरे वाह प्रेमी देखे तो तेरा दून वाले देखे, अरे इतना जोश, सच में हम छत्तीसगढ़ असम नेपाल पता नहीं कौन कौन सी जगह में हो आए हैं, पर ऐसे प्रेमी ने, आप थोड़े हो पर आप में जोश पूरा है, मजा आ गया सच में, वाह गौरव भैया क्या प्रेमी है आपके, हम आ रहे थे रास्ते में थे तो हमने देखा YouTube में निकाल के ये सेला कोई मंदिर है कैसा, देखा हमने कहा यार ये छोटा सा दरबार है, पता नहीं प्रेमी आएंगे कि नहीं आएंगे, बारिश बड़ी हो रही है, पता नहीं बाबा कैसा होगा, लाज बचा लेना आज, हमें तो क्या पता था ये तो पागल है सारे, ये पागल है, हाँ क्या चीज बताओ, मजा आ गया, मैं एक बार अपने लिए ताली बजा दो जोर से, मैं एक बार बताता हूँ, अगली बार होना भैया हमें जरूर बुलाना, बाहर जाएंगे हम, बाहर होता ना कीर्तन बड़े दरबार में, बाहर आएंगे और आप सभी आना, ठीक है आओगे, हाँ हमें एक एक का चेहरा याद है, हम सबसे मिलने आएंगे, सबका चेहरा याद है, हम दीवाने बाबा के, बाबा के हम दीवाने, हम दीवाने बाबा के, बाबा के हम दीवाने, हम दीवाने बाबा के, बताओ हम क्या मांगे, शाम सहारा हमारा, शाम सहारा बोलो, शाम सहारा हमारा, शाम सहारा मिलके बोलो, हम दीवाने बाबा के, बाबा के हम दीवाने, हम दीवाने बाबा के, बाबा के हम दीवाने, और भैया बोलो तोड़ रखना करो, हम दीवाने बाबा के हम दीवाने, हम दीवाने बाबा के हम दीवाने, हम दीवाने बाबा के, ओ बताओ हम क्या मांगे, शाम सहारा हमारा, शाम सहारा और क्या कहेंगे, बाबा के प्रेमी पागल, पागल बाबा के प्रेमी, बाबा के प्रेमी पागल, पागल बाबा के प्रेमी, बाबा के प्रेमी पागल, और बताओ हम क्या मांगे, शाम सहारा हमारा, शाम सहारा,
हमारा साम सहारा, बोल खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, लखदा तार की। अच्छा, नाचना कौन कौन जाता है जगह नाचने के लिए? पर एक भजन नहीं, नहीं एक भजन ऐसा भजन जिसको गाए बिना कीर्तन सफल नहीं होता। दीनानाथ, दीनानाथ भजन कौन कौन गाएगा? एक बात कहूंगा, जिसने जाना वो भैया हाथ जोड़कर विनती अभी चले जाए, इस भजन के बीच में उठकर कोई मत जाना, और जो अपनी जगह पे खड़ा वो बैठ जाए, क्योंकि इस भजन को बैठ कर ही सुना जाता है। बैठ कर सिर्फ सेवा वाले बंदे खड़े रहे, जो सेवा करे, मतलब जैसे कोई लाइव करा वो खड़ा रहे। श्याम बहादुर जी, आलो सिंह महाराज जी ये भजन गाते थे पुराने टाइम पे, और बैठ के सुनते थे और बैठ कर ही गवाते थे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, जैसे कि मुश्किल से बैठ जाओ, पर भजन बैठ कर सुनो भैया। हाँ मत करो, कोई मत करो, ये भजन बैठ कर सुनने वाले। आप चाहते हो तो हम भी बैठ जाते हैं भैया, मजा तो तभी है जब बैठ कर सुना जाए। ठीक है मिलकर क्या बोलेंगे? मिलकर बोलेंगे, शांति से सुनेंगे, शांति से गाएंगे, और जोर से आवाज आनी चाहिए, बाबा के कानों तक जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे कानों तक आ रही है, बाबा के कानों तक जानी चाहिए। मिलके बोलना, अरे दीना तो मेरी पहचानी कौन, अरे दीना नाथ मेरी बात जानी कौन, अरे आखरी चूरा कर बाबा बाबा जासी करते मेरे से, अरे दीना नाथ मेरी बात सानी कौनी तेरे से, दीना नाथ मेरी बात सानी कौनी तेरे से, अरे आखड़ी चूरा कर बाबा जासी करते मेरे से, अरे आखड़ी चूरा कर बाबा। मिलकर बोलो ना,
तेरे बाबा करें। अरे वाह, अरे कभी ना कभी कहीं ना कहीं ना कहीं मेरा शाम सलोना आएगा, कभी ना कभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरा शाम सलोना आएगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरा शाम सलोना आएगा, अपना मुझे पता नहीं किस मोड़ पे मिल जाए, कब मिल जाए, पर उसके लिए बोलना पड़ेगा। हम माइक में नहीं बोलेंगे, कभी ना कभी कहीं ना हाथ पकड़ने
वाले की। भैया सेम कर दो थोड़ा ना आगे पीछे हो रहा है, इसका माइक थोड़ा स्लो है ना, सेम जैसे इसकी आवाज खोली है ना, सेम करो, थोड़ा आवाज में दम लग रहा है ना, पता लग रहा है। हाँ बोला खाटू नरेश की। चलो नाचे, कौन कौन नाचना चाहता है आप सबसे ज्यादा, जो छोटे से बच्चे में है यार, धमाल कौन कौन करना चाहता है हाथ खड़ा करके बताओ, क्योंकि ये भी जरूरी है, इसके आगे नाचना भी जरूरी है, कई बार इसको नाच के बनाना पड़ता है, अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, जो नहीं खड़ा हो सकता कोई बात नहीं, इसके पैरों में दर्द है वो बैठा रहे, बट जिसको कुछ चाहिए वो खड़ा हो जाए, जिसको चाहिए वो ही खड़ा हो, जिसको नहीं चाहिए वो बैठा रहे, जिसके पैरों में आप तो खड़े हो जाओ, जिनके पैरों में दर्द है वो ठीक हो जाए, हाँ जिनके पैरों में दर्द है ना वो खत्म हो जाएगा, सच में बता रहा हूँ, पूरा तालियों के साथ मिलकर बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, 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 ओ श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, ओ श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों
इस मतलब की दुनिया से हम तो नफरत है, इस मतलब की दुनिया से हम तो नफरत है। ओ
उसके बाद थोड़ा बहुत लास्ट के लिए भी छोड़ देना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए लास्ट में नाचेंगे थोड़े। अच्छा ये बताओ यहाँ पे शांति वाले कौन कौन है, सभी कौन है अभी तक, थोड़े थोड़े हाथ उठे क्यों, शांति वाले नहीं हो, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ मैं बता रहा हूँ, फिर आप भी नहीं खड़ा कर रही, कौन कौन शांति वाला यहाँ पे आप नहीं हो, सभी हाथ उठाया करो फिर, टीचर की क्लास में प्रेजेंट तो लगानी पड़ती है ना भैया। अति शाम दीवाने, हाँ सारे टीम कर, सारे टीम कर, ठीक है ये स्केल ठीक है, कौन कौन जाएगा साथ में, हाथों के हाथ नहीं खड़े होते, क्यों नहीं होते, सभी कर दिया करो चाहे ना गाया करो, हाथ तो खड़े कर दिया करो तो सभी हो जाती है, खड़े कर देगा और ताली बजा लेगा वो तो तकदीर चेंज करवा लेगा, और जो बैठा रहेगा वो बैठा रहेगा, वो बैठा ही रहेगा, असी शाम दीवाने आ, असी शाम दीवाने आ, कोई डर जचदा नहीं खाटू वाले दे, आवाज आए
पंजाबी नहीं आती, अरे इतनी सांसी तो बस यार। चलो हम साथ साथ में गाते हैं, एक लाइन हमारी एक लाइन आपकी। असी शाम दीवाने बोलो असी शाम दीवाने बाबा कोई नहीं जचता नहीं खाटू Oh, God.
बड़ी आस लेके जोर से मेरी पुकार सुन ले। थक गए आवाज नहीं आ रहा आप ना, या तो बाबा में खो गए या हमें अच्छे से सुन रहे हो। वजन को सुनो, वजन को सुनो, हमारे वजन यूट्यूब में सुन लेना, हम दिख जाएंगे। बाबा को देखना, बाबा के वजन सुन लेना, बाबा दिख जाएंगे। पर इस वक्त वजन पर फोकस करो। बड़ी दूर तो मेरी भी पुकार सुन ले, बड़ी आस लेके मेरी भी पुकार सुन ले, बड़ी हर कोई पूछे मुझसे मेरी खुशियों की मजा। बोलो हर कोई पूछे मुझसे मेरी खुशियों की मजा, हंसते हंसते कह दूं मेरे खाटू वाले शाह, हंसते हंसते कह दूं मेरे खाटू वाले शाह, हर कोई पूछे मुझसे मेरी खुशियों की मजा, हर कोई पूछे मेरी खुशियों की, हर कोई पूछे मुझसे हंसते हंसते कह दो मेरे, हंसते हंसते कह दो मेरे वाले शाह। और अगर कोई रास्ते में जाता पूछे ना भैया तेरे खुशियों की वजह क्या है, अरे तू इतना धनवान है कैसे, बोल दिया करो। हर कोई पूछे मुझसे मैं कैसे हूँ धनवान, 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 हंसते हंसते कह लो मेरे खाटू वाले शाह, हंसते हंसते कह लो मेरे खाटू वाले शाह। उसके बाद क्या कहना है, अरे एक बार तो जाओ रे मेरे खाटू के दरबारे में, एक बार तो जाओ रे मेरे खाटू के दरबारे में, वो भूल जाओगे गम सारे मेरे खाटू के दरबारे में, तेरी आंखें भी जन्नत है, तेरा मुखड़ा भी जन्नत है, तेरी आंखें भी जन्नत है, जन्नत है। ये पता आप सब YouTube में सुनना, हमारे तेजी ब्रदर्स TEZ है, तेजी ब्रदर्स करके YouTube में सारे भजन आ जाएंगे, सारे भजन को आपको नहीं सुना सकते, बहुत भजन है, वहां जाके सुनना आपको आनंद मिलेगा। बोलो खाटू नरेश की, लखना ताले की, हाथ पकड़ने वाले की, ये सुन लो। तेरी आंखें भी जन्नत है, ओ जन्नत है तेरा खाटू, तेरी गलियां भी जन्नत है, और
अब तेरे बिन ओ बाबा सब ही बेगाना हो तुझे जो प्यारा हो गया अब तेरे बिन ओ बाबा सब ही बेगाना हो गया तेरी है कसम बाबा तेरी है कसम बाबा तुझे जो प्यारा हो गया तेरी आंखें भी जन्नत है तेरा मुखड़ा भी जन्नत है वो जन्नत है खाटू जाया करो कोशिश किया करो हर महीने जाया करो जिससे नहीं जाएगा तो 6 महीने में एक बार जाया करो जिससे फिर भी ना हो साल में एक बार तो जरूर जाया करो कौन कौन जाता है खाटू कोई कोई जाया करो आज तो अगर साल में भी ना जाया जाए ना तो एक कीर्तन में आ जाया करो कीर्तन में आ जाया करो और कीर्तन में बाबा को सुन लिया करो ये बाप का बूटा है बाप का जरूरी नहीं आप खाटू जाओ अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो खाटू जाओ बाबा फिर ही मिलेगा आप घर बैठ के इसके दो भजन ही गालो भाव भरे आपको वो घर बैठे ही मिल जाएगा ये सच्ची बात है तो कोशिश करा करो घर में ही रोज दो भजन बाबा को जरूर सुनाया करो बाबा खुद ब खुद आपके घर में आ जाएंगे बोलो खाटू नरेश की अर्जी कौन कौन सुनाएगा बाबा को पता क्या गाया करो साथ में जब आप गाते हो ना तभी हम अंदर से गा पाते हो जब आप चुप बैठते हो ना फिर अंदर से हम भी चुप हो जाते हैं जब तक आप नहीं गाओ तब तक हम कैसे गाएंगे आप बोलते हो तो हम गा रहे हैं चलो आपकी एक आप सबकी अर्जी अर्जी कौन कौन गाना चाहता है बाबा को जो जो सोच कर आए हो ना वो अपने मन में बिठा लो और सिर्फ नजरे बाबा की तरफ और हम अर्जी आएंगे बाबा की तरफ देकर बोल देना आपके घर जाते जाते आप सबके काम बन जाएंगे ये गारंटी है हमारी वो विश्वास के साथ ये भजन हमारे साथ गाना कौन कौन गाएगा दोनों हाथ और बाबा को देख लो मेरी अर्जी है बाबा तेरी मर्जी है बाबा हो मेरी अर्जी है बाबा तेरी मर्जी है बाबा चाहे पार लगा दे चाहे मुझको हरा दे और कुछ ना मांगू तुझसे अर्जी बोल दो
दिल में जितना बहुत बड़ा जो भी आपने मांगा मांग लो सर जी के द्वारा मिल जाएगा, पर सच्ची नीयत से, सच्ची लगन से और मीठी जुबान से। बाबा को देखे, हमें ना देखना, बाबा को देखे। आ जाओ, हम भी बाबा की तरफ देखेंगे, मिलकर अर्जी लगानी, हाथ जोड़कर बाबा की तरफ। ये सिर्फ दो मिनट का भजन होगा बाबा की तरफ। नीचे बैठ गए, नीचे बैठ, बाबा की तरफ देखकर मिलकर बोलना। ओ मेरी अर्जी है बाबा तेरी।